हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए इस वीडियो में खास लेकर आए 100% जेन्युइन एंड फ्री प्लेटफॉर्म, मतलब रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। घर बैठे आप अर्न कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग में आप खुद चूज कर सकते हैं कि कौन से टाइम में आप बिल्कुल फ्री हैं और ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। राइटिंग जॉब है, मतलब आपको टाइपिंग आनी चाहिए, मतलब टाइपिंग का ऐसा कुछ स्पीड नहीं चाहिए, बट आपको टाइप करना आना चाहिए। सभी हम जानते हैं कि कैसे टाइप करते हैं। ऑनलाइन जॉब रहेगी, वर्क फ्रॉम होम है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग में, और वन पेज इसकी जो रेट है पेमेंट की वो है वन पेज अप्रॉक्स 1600 रुपीज पेमेंट करते हैं। फिलहाल आप मोबाइल से रजिस्टर कर सकते हैं। सभी के मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होता है, उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब बात करते हैं ऑनलाइन जॉब्स की, और आप जब सर्च कर रहे होते हैं गूगल पर, इंटरनेट पर, तो मोस्टली जो ऑनलाइन जॉब्स आपके सामने निकल कर आते हैं वो सभी के सभी फेक होते हैं। तो फिलहाल इस प्लेटफॉर्म की जो जेन्युइन है यानी ये बात करें तो जेन्युइन तो बिल्कुल है, लेकिन ऐसा होता है कि हर वेबसाइट पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर होते हैं, एनरोल होते हैं, तो काम मिलने में थोड़ा वक्त लग जाता है। रजिस्टर करके रखें। ऐसे कई सारे और भी प्लेटफॉर्म मैं सर्च कर रही हूँ जिस पर आप रजिस्टर हो सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपने रजिस्ट्रेशन की हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आप सभी को मिलता रहेगा। तो जिनको भी काम मिल जाए वो जरूर अपडेट कर दें, सो दैट बाकी जो कैंडिडेट फ्यूचर में रजिस्टर होंगे उनको हेल्प मिलेगी। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, क्या उसमें करना होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और भी क्या क्या चीजें चाहिए उसमें रजिस्टर होने के लिए, और किस तरीके से पेमेंट की जाती है वगैरह, सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में एंड तक हम कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं अभी जो करंट रेट चल रही है डॉलर की। क्यों डॉलर की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो पेमेंट करती है वो डॉलर में करती है आपको, और बैंक फिर कन्वर्ट करके रुपीज में आपको दे देती है। एवरी 15 डेज, हर 15 दिन पर आपने जो भी काम किया होता है 15 15 दिन पे आपके पास पैसे आ जाते हैं, हर 15 दिन पे, 2 वीक में। तो फिलहाल जो डॉलर की रेट है, एक डॉलर जो है 82 रुपीज के बराबर है, तो लगभग 80 रुपीज के, थोड़ा टैक्स वगैरह भी कट होता है, तो 80 रुपीज के अराउंड 1 डॉलर चल रहा है। तो ये ध्यान में रखते हुए आप आगे वीडियो को देख सकते हैं कि 1 डॉलर फिलहाल 80 रुपीज चल रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। तो बात कर रहे हैं राइटर बे प्लेटफॉर्म की। राइटर बे अलग अलग कंट्रीज में रन हो रही है प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन है बिल्कुल। विथ राइटर बे डॉट कॉम यू गेट द राइट टू मैनेज वर्कलोड ऑन योर ओन। आप अपने तरीके से वर्कलोड, आपको जो भी काम मिलेगा वो आप अपने टाइमिंग के हिसाब से सेट कर सकते हैं। फ्रीलांस है, बिल्कुल आपके ऊपर है। राइटर सपोर्ट टीम भी आपको मिलेगा 24/7, 24 घंटे, 7 दिन आपको टीम मिलता है जो आपको असिस्ट करता है कहीं पर आपको प्रॉब्लम होती है तो। और पर पेज, पेज के हिसाब से पेमेंट होती है। एक पेज आपका कंप्लीट होता है तो उसके लगभग $20 तक आप अर्न कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया कि डॉलर का रेट देख लें, एक डॉलर जो है वो 80 रुपीज के अराउंड आपको मिलेगा, तो 20 डॉलर मतलब 1600 रुपीज तक आप मैक्सिमम एक पेज के लिए अर्न कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या होता है वो हम चेक कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और बाकी डिटेल्स। इफ यू आर लुकिंग फॉर ए फ्रीलांसिंग राइटिंग जॉब, तो यहाँ पे राइटिंग जॉब होगी। कौन कौन सा यहाँ पर एरिया है जिसमें आप राइटिंग कर सकते हैं वो वो यहाँ पे हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आवर कंपनी इज फॉर यू, अदर देन राइटिंग स्किल्स एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर टू मेक मनी यू ऑल नीड टू बिगिन वर्किंग विद अस इज एन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और टाइपिंग के लिए बोल रहे हैं पीसी या लैपटॉप, लेकिन अभी तो मोबाइल में भी बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जो ऐप आप डाउनलोड करके मोबाइल से भी आप राइटिंग करके उनको भेज सकते हैं। तो इंटरनेट तो आजकल 4G वगैरह अपने मोबाइल पे डेटा कनेक्शन रहता ही है, तो फिलहाल मोबाइल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कंसिडर राइटिंग फॉर अस इफ यू विश टू बी गेटिंग गुड मनी वाइल वर्किंग फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम है इसमें। चलिए अभी इसके बाद व्हाट वी ऑफर में लिखा है, कॉम्पिटिटिव सैलरी, पेमेंट ट्वाइस पर मंथ, हर महीने 2 बार पेमेंट होगी, फेयर टर्म्स एंड कंडीशंस, हेल्पफुल राइटर सपोर्ट आपको मिलेगा, इनफ रूम फॉर पर्सनल ग्रोथ, आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें। द राइट टू मैनेज द वर्क लोड ऑन योर ओन, ए वेराइटी ऑफ अवेलेबल राइटिंग जॉब, बहुत सारी वेरायटी है जिसमें आप राइटिंग कर सकते हैं। नो रजिस्ट्रेशन फी एंड अ फ्री लाइफ टाइम मेंबरशिप, तो रजिस्टर करते वक्त आपसे कोई भी फी नहीं मांगी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, काम मिलने के लिए, हाउ टू गेट स्टार्टेड। रजिस्टर सबसे पहले आपको करना होता है, तो पहले आप रजिस्टर करेंगे, उसकी एक पेज है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक ट्यूटोरियल आपको दिया जाएगा और उस पर एक क्विज दिया जाएगा, मतलब आपको कुछ पढ़ने के लिए दिया जाएगा, आप पढ़े उस पर, और एक क्विज आपसे लिया जाएगा। ईच पार्ट एंड्स विद ए शॉर्ट क्विज ऑफ 3 to 5 questions, तो 4 पार्ट्स रहेंगे ट्यूटोरियल, वो पढ़ना है, और हर पार्ट के एंड में 3 से 5 क्वेश्चन रहेंगे।
आपको यू नीड टू पास ऑल फोर क्विजेस, आपको सारे चार क्विजेस पास करने होंगे। इसके बाद अपलोड योर एसे, डिप्लोमा एंड सीवी, इसमें जो जो चीजें बताई जाएंगी वो सारी चीजें आपको अपलोड करनी होंगी। एक एसे लिखना होगा, डिप्लोमा और सीवी मतलब बायोडेटा। हाउ इट वर्क्स, सेलेक्ट द राइटिंग प्रोजेक्ट, आपको एक राइटिंग प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा। आपको दिए जाएंगे ऑफर्स कि ये राइटिंग प्रोजेक्ट अवेलेबल है अभी, इंडिया के भी जॉब्स हैं, इंडिया के भी बिल्कुल जॉब्स आपको मिलेंगे, तो आप अपनी भाषा में जो भी लिखना चाहते हैं वो अवेलेबल रहेगा। तो राइटिंग जॉब्स आपको बताया जाएगा कि फिलहाल ये अवेलेबल है, अगर इसमें से आप कोई राइटिंग असाइनमेंट लिखना, एकेडमिक राइटिंग असाइनमेंट रहेगा, एकेडमिक। जैसे कैसा होता है किसी स्टूडेंट को वगैरह कुछ असाइनमेंट मिला तो वो अपलोड कर देते हैं कि यहाँ पर काम हो जाए और वो वापस ले लेते हैं, उसके लिए वो पे कर देते हैं राइटर बे को और राइटर बे आपको पे कर देगा। तो अपलोड द वर्क, फिर आप जो भी काम आपको मिलेगा वो आपको एज सून एज द वर्क इज फिनिश्ड यू नीड टू अपलोड इट इन टू योर पर्सनल अकाउंट एज वेल एज मार्केट एज फाइनल। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये रजिस्टर करने के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। गेट पेड फॉर योर वर्क, वी ऑफर यू ए कॉम्पिटेटिव सैलरी एंड गुड प्रॉफिट, विद अस यू कैन गेट अप टू $20 पर पेज एंड अर्न पार्ट टाइम और इवन फुल टाइम इनकम। पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, फुल टाइम काम करना चाहते हैं, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये हम फिल करके देख सकते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगी। अब इसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप ओपन करते हैं तो इसमें पर्सनल डिटेल में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कंट्री, ईमेल, ये सारे। लेकिन आपको ट्रस्ट है, आप गूगल करके इसके बारे में पता करें तभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन। उसके बाद फिर आपसे क्विज मांगा जाएगा, ट्यूटोरियल पढ़ने को कहा जाएगा, आपको लिखने को कहा जाएगा 275 to 350 वर्ड्स में, फिर आपको बायोडेटा वगैरह अपलोड करनी है। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर दी हुई है। अब इसमें जो है फ्रीलांसिंग राइटिंग जॉब्स इन इंडिया, इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं कि क्या क्या जॉब्स अवेलेबल रहेंगे। तो जैसे india.writerbay.com पर हम आ गए हैं फिलहाल कि इंडिया में क्या क्या जॉब्स है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए, वी नीड राइटर्स प्रोफिशिएंट इन द डिसिप्लिन्स लिस्टेड बिलो, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके आपको थोड़ी भी नॉलेज है तो आप यहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं। अकाउंटिंग है, एंथ्रोपोलॉजी है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बिजनेस, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर साइंस, क्रिमिनल जस्टिस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश है, फैमिली स्टडीज, फिल्म स्टडीज, फिनांस, जेंडर स्टडीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, मैथ्स, मेडिसिन, म्यूजिक, नर्सिंग, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, शेक्सपियर स्टडीज, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, थिएटर, वर्ल्ड अफेयर, वर्ल्ड लिटरेचर। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपको आता है, आप एटलीस्ट ग्रेजुएट भी हैं किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ में, आपको थोड़ी भी एक्सपर्टीज है, तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन करके रख सकते हैं। टॉप राइटर्स जिन्होंने बहुत, टॉप 5 राइटर्स प्रॉफिट, जो यहाँ पे टॉप 5 राइटर हैं जिनके अर्निंग सबसे ज्यादा है लास्ट 30 डेज में, वो यहाँ पे दिखाए कि $3,000 तक कमा रहे हैं, $2,800 तक कमाया है। थर्ड राइटर ने $2,400 पर मंथ कमाया है, मतलब आप समझ रहे हैं 2,400 को 80 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि $1.80 है। तो ये इस तरीके का डेटा ये शो करे। अभी मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि क्या होता है, आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, हो सकता है कि काम आपको ना मिले, या इन्होंने $20 लिखा है, हो सकता है आपको $8, $10 ही दे। तो वो सारी चीजें क्या होती है, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म में आपके लिए सर्च करती हूँ, जो चीजें लिखी होती है वो उतना पेमेंट कम हो सकता है, उतना नहीं हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट इतना है कि अगर जेन्युइन है तो आप यहाँ रजिस्टर करके रखें, कुछ ना कुछ काम मिलता रहेगा। तो आप जब फ्री होते हैं उस टाइम पर आप अगर ले सकते हैं, जिस भी दिन आप फ्री हैं, जब भी आप फ्री हैं, एक पेज दो पेज आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। आप जो पढ़ चुके हैं वो भी रिविजन भी होता रहता है, नई चीज करने का एक्सपीरियंस भी आता है, कुछ नई चीज करने की एक्साइटमेंट भी बनी रहती है। तो ये बात है कि जो भी ये लिखते हैं, कोई भी वेबसाइट लिखता है कि हम इतना पे करते हैं, उतना उसको आप हाफ कर दें कि हाफ ही पेमेंट करते होंगे, बट ठीक है, अगर आप उसके साथ काम करना चाहते हैं तो रजिस्टर हो सकते हैं, एटलीस्ट फेक नहीं है। और फिर भी एक बार आप अपनी तरफ से गूगल पे इसके बारे में जानकारी ले लें और फिर रजिस्टर हो सकते हैं। तो मेन जो पेज है यहाँ पर आपको आना होगा और इसमें ही नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ, यहाँ पर देखें ये होम पेज ऐसे है। तो जो होम पेज है वो मैं आपको देख के चलती हूँ, writerbay.com ये होम पेज है। इस होम पेज से यहाँ से ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको टॉप राइटर्स की, आवर बेनिफिट्स, नो रजिस्ट्रेशन फी वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। और उसके बाद फिर आप फुल टाइम पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग में काम कर सकते हैं, यूजर फ्रेंडली है, कॉन्फिडेंशियल है आपका डाटा जो भी आप है, मिनिमम जो है क्या चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए मिनिमम, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और सब्जेक्ट्स यहाँ पर बताए गए कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स वगैरह भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
तो स्पोर्ट्स में भी आपको है तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर इंडिया वाले में आपको जाना रहेगा तो नीचे सबसे नीचे स्क्रॉल कर लीजिए और यहाँ पे फ्रीलांस देखें, लेफ्ट साइड में मैंने आपको दिखाया फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स इन इंडिया पे क्लिक करके वहां पे रजिस्टर हो जाए, बाकी की प्रोसेस कंप्लीट कर लें। इसी तरीके की और प्लेटफॉर्म भी मैं सर्च करने की कोशिश करती हूँ, रजिस्टर होते जाए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम मिलता चला जाएगा। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।